विकास दुबे के बाद अब कई कुख्यात अपराधी एनकाउंटर से खौफ खाने लगे हैं और इसमें ताजा नाम जुड़ा है लॉरेंस बिश्नोई का, जिसने कोर्ट से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने जो किया उसका वैसा ही अंत हुआ है। कानपुर के इस गैंगस्टर के एनकाउंटर से जुर्म की दुनिया में दहशत फैलाने वाले बाकी अपराधियों को अब डर सा सताने लगा है। डर कोई और नहीं बल्कि एनकाउंटर के बाद मौत का। बिल्कुल सही, इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई की रातों की नींद हराम हो गई है। अब वो बेचैन सा हो गया है कि कहीं उसका चैप्टर विकास दुबे की तरह पुलिस की तरफ से क्लोज ना कर दिया जाए। हरियाणा के नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खुद की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लॉरेंस बिश्नोई ने एक अर्जी डालकर अपनी सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने की अपील इस अर्जी के जरिए की है। विकास दुबे के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि जिन्हें भी हैगे हार्डकोर क्रिमिनल नो डर जरूर होया कि जिवें लॉरेंस बिश्नोई ने भी पटीशन फाइल की है कि इतने 9 सेक्टर चंडीगढ़ 33 सेक्टर च फायरिंग हुई है। अखबार के थ्रू वह भी नाम आ रहा कि शायद फायरिंग उस बेस से हुई, इस करके उन्हें पटीशन लाई कि मेरा इस केस कोई रोल नहीं है, तो जो मैनू मेरे खिलाफ की एविडेंस है मैं दसा जाए, मैं इदा ही ना बुला के तंग किया जाए। गौरतलब है कि हरियाणा के साथ लगते राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई की तूती बोलती थी। वो जो कहता था डंके की चोट पर वह करके रहता था, लेकिन विकास दुबे एनकाउंटर ने बड़े से बड़े अपराधियों के पसीने निकाल कर रख दिए हैं। कुछ दिन बाद लॉरेंस बिश्नोई की चंडीगढ़ की एक कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस इस कुख्यात गैंगस्टर को साथ लेकर आ सकती है। उससे ये डर सताने लगा है कि कहीं उसके साथ अपराध का अंत भी विकास दुबे से मेल न खा जाए। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई बदमाशों की फहरिस्त में बड़ा नाम है, जिसने ना जाने कितनी वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई को ये डर है कि उसे वैसी मौत ना मिले जैसी विकास दुबे को मिली।